मतलब मैंने आज तक वेट किया था कि आज भी अगर एक दो प्रोडक्ट और आ जाए ना लेकिन आज एक ही प्रोडक्ट आया ये या कुछ छह प्रोडक्ट होंगे मेरे पास तो उनका ही मैं रिव्यू करने वाली हूँ बिकॉज उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें मंगवाई थी अभी इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना कि अगर यार वो आ जाते ना तो मैं आज शूट करके और सारा मतलब आज कलेक्शन में बहुत बड़ा ह्यूज मंत्र हॉल करने वाली थी बट खैर कोई बात नहीं तो अभी हो गई बहुत बकबक तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड सबसे पहला है प्रिंटेड रेडी टू वेयर लहंगा एंड चोली जो कि है ब्रांड सफरास से एक आपको इसमें ब्राउन कलर मिल जाएगा एक इसमें आपको रेड कलर मिल जाएगा तो मैंने लिया है ब्राउन कलर का तो मेरे लिए है ब्राउन कलर का लहंगा ये है इसकी चोली सॉरी ये है इसकी सुंदर सी चोली ठीक है ये पूरा ब्लाउज टाइप का है मैं आगे लेस लगी हुई है ये लेस वाला पैटर्न किया गया है एंड ये पूरा ना जॉर्जेट का कपड़ा है लेकिन ना ये बहुत गंदा वाला जॉर्जेट नहीं है ये बहुत अच्छा वाला जॉर्जेट इसमें यूज किया हुआ है तो अः ये जॉर्जेट मुझे काफी ज्यादा पसंद है इसमें लाइनिंग नहीं लगी हुई है लेकिन हाँ अंदर की साइड इसमें ये वाली लाइनिंग जरूर लगी हुई है और पूरा प्रिंटेड है और पूरे में ऐसे पिंक एंड ब्लूइश टाइप में ऐसे प्रिंट हो रखा है और uh, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ना जब ऐसे ब्लाउज वगैरह बंद कर रहे हैं ना तो आप देख सकते हो वीनेक शेप आ रही है जो बहुत ही अच्छे से फिट आ गई थी इसके अंदर आप अपनी नॉर्मल ब्रा भी पहन सकते हो लेकिन उसको ना आपको थोड़ा स्किन कलर में या थोड़ा अलग कलर में पहनना थोड़ा इससे मैच करते हुए कलर में पहनना अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप स्टिकॉन ब्रास के लिए जा सकते हो ठीक है और फिट मुझे इसका बहुत ही ज्यादा परफेक्ट आया था मतलब बहुत ही अच्छे से फिट हो गया था ये तो साथ ही लहंगा दिया हुआ है ये फुली इलास्टिकेटेड नहीं है आगे से ये लेस वाले पैटर्न हो रखा है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है इसका वर्क बहुत ज्यादा सुंदर है लेस वाला नीचे ये इसका फ्लेयर है काफी अच्छा खासा फ्लेयर दिया हुआ है पूरा प्रिंटेड है नीचे ना ये पूरा इसका एक फ्लेयर दिया हुआ है एंड इसमें ना नीचे छोटी सी ऐसी कैनकेन लगाई हुई है ताकि आपका जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छे से ऐसे और अच्छे से दिखे

हम एज अ गाउन बना के पहने ना तो आपने इसको यहाँ पे वेस्ट वेस्ट पर की की साइड में पिन हेल्प से से अंदर बंद कर सकते हो तो ये पूरा अनारकली लग रहा था ये पूरा अनारकली लग रहा था मैंने तो कोई पिन भी नहीं लगाई थी फिर भी ये मेरे को ना यहीं पे रहा था मैंने डांस खूब किया था इसमें लेकिन बिल्कुल भी इतना सा भी नीचे नहीं जा रहा था ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मेरे हिसाब से मुझे ये उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा रहा अगर लहंगा चोली के स्टाइल में नहीं पहनना है तो आप अनारकली के स्टाइल में भी पहन सकते हो प्लस उसके साथ दुपट्टे भी ले सकते हो ठीक है तो वो भी ज्यादा अच्छा लगेगा इसका मैंने लिया था साइज इसका मैंने लिया था स्मॉल साइज एंड स्मॉल साइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है।, है इसका रीसेंट प्राइस थोड़ा सा महंगा हो गया है बिकॉज मैंने जब लिया था ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था इसका अभी रिसेंट प्राइस है फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड का ये आपको पड़ जाएगा बट पता नहीं यार मैंने जब लिया था ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल था लाइक मैंने इसको लिया था 1700 में 1799 रुपीज में ठीक है मैंने लिया था एंड अभी ये काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं अगर मैं इसका रेड वाला देखूं तो हाँ अगर आप इसका रेड वाला लोगे ना ओके इसमें आपको रेड कलर का मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी अगर आप इसका रेड वाला लोगे ना रेड वाला और भी ज्यादा सुंदर है पता नहीं मैंने क्यों नहीं देखा रेड वाला और ज्यादा सुंदर है इसमें बांधनी प्रिंट हो रखे हैं क्योंकि ये आपको मिल जाएगा सेवनटीन हंड्रेड 99 में एंड नीचे ना कूपन कोड भी दिए हुए हैं तो वो भी यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज करके आप थोड़ा बहुत उसमें भी सेव कर सकते नेक्स्ट मैंने साड़ियाँ लिए है जैसे आप दुर्गा पूजा वगैरह आ रही है तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो प्लस दिवाली पे भी काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी एंड ये रेडी टू वेर साड़ी है तो आपको इसमें कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैंने उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सही रहेगी जो अभी ज्यादा साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं ठीक है या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से वो ज्यादा साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं या फिर अः संभाल नहीं पाते कई बार ये होता है कि हम पूजा के टाइम पे घर पे बहुत सारे काम होते हैं तो हमें साड़ी संभाले या क्या संभाले काम करे ठीक है तो वो भी होता है तो उसके लिए भी आप ये वाली रेडी टू वेयर साड़ी ट्राई कर सकते हो तो ये बिल्कुल आसान है इसको पहनना कुछ इस तरह की है सेज ग्रीन कलर का है ये एंड ये पूरे में ऐसे फॉइल प्रिंट हो रखा है ये पूरा ऐसे फ्रिल वाला वर्क हो रखा है जो तो इसका फ्लेयर है ना ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये पूरे ऐसे फ्रिल वाला काम हो रखा है तो पूरे में ऐसे फॉइल प्रिंट हो रखे हैं गोल्डन कलर के तो आप इसके साथ ना गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहन सकते हो काफी अच्छी लगेगी इसको पहनना इतना ईजी है लाइक आपको बस ये पहनना है ठीक है यहाँ से आपको ये जिप लगानी है ठीक है और यहाँ से आपको ये इस तरह से अटैच करना है बैक साइड से ये पल्लू जोड़ा हुआ है इसका तो ये है इसका पल्लू एंड पल्लू में भी ना रफल वाला वर्क हो रखा है काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है आपको ट्रैन में देख के समझ आ गया होगा कि इसको पहनना कितना इजी है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने ऐसे कुछ साड़ी पहनी है साड़ी छोड़ो मैंने सूट भी नहीं लग रहा था ऐसा लग रहा था मैं अपने बहुत ही ऐसे कम्फर्ट वाले कपड़ों में हूँ तो आराम से आप, इस, आप इसमें डांस भी इजीली कर सकते हो तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी ब्लाउज़ इसके साथ नहीं आया है तो ब्लाउज आपको अपना आ, गोल्डन कलर का ब्लाउज ले सकते हो एंड मेरी तरफ से तो मैं इसको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि इतनी ज्यादा कंफर्टेबल चीज आई थिंक होनी चाहिए सबके पास तो इसका जो रिसेंट प्राइस है वो है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज एंड इसको मैंने लिया था मीडियम साइज में एंड साइज तो परफेक्ट है मुझे अच्छा मैंने ना तीन साड़ियाँ मंगवा लिया मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैंने तीन साड़ियाँ मंगवा ली मैंने बस ये देख रही थी कि डेट आसपास है मतलब जल्दी आ जाएंगी चीजें तो उसके हिसाब से मैं ऑर्डर कर रही थी कि ताकि मैं जल्दी एक वीडियो डाल पाऊ एक अच्छा कलेक्शन आप लोगों को दिखा पाऊँ तो ना इनके ना सबके कलर अलग अलग है और थोड़ा थोड़ा डिजाइन इन लोगों का इन लोगों का थोड़ा थोड़ा डिजाइन इन तीनों साड़ियों में थोड़ा सा डिफरेंट है कलर डिफरेंट है थोड़ा पैटर्न हल्का हल्का डिफरेंट है तो वो मैं दिखा देती हूँ है। है हमारी ये वाली साड़ी जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और इसमें भी गोल्डन फॉइल प्रिंट हो रखा है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है फ्लोरल प्रिंट हो रखे हैं सारे में बहुत ही सुंदर है एंड इसका नीचे का ना अः जैसे जो फर्स्ट वाली मैंने साड़ी दिखाई थी ना सेज ग्रीन कलर की उसमें ना सिर्फ एक ही था नीचे रफल वाला एंड दूसरा आपका पल्लू में चला जाएगा इसमें आपको ना दो लेयर्स दी हुई है तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है इसका जो फ्लेयर है ना ये काफी ज्यादा हेवी फ्लेयर है मतलब अच्छा खासा फ्लेयर है ऐसा नहीं है कि कंजूसी करी हुई है बिल्कुल भी बिल्कुल कंजूसी नहीं करी हुई है इसमें बहुत अच्छे से फैब्रिक लगाया हुआ है एंड फैब्रिक भी बहुत अच्छा है मतलब ये भी ना जॉर्जेट का ही फैब्रिक है अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊ ना पास से

एंड ये इसमें चेन लगाई हुई है साइड में आपको बंद करनी पड़ेगी ये है इसका पल्लू ये पूरा प्रिंटेड है पूरे में ऐसे फ्लोरल प्रिंट हो रखा है काफी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है काफी सुंदर है इसमें भी रफल वर्क हो रखा है बिल्कुल सेम है सिर्फ थोड़ा सा डिजाइन इसका अलग है थोड़ा सा इसमें रफल वाला जो वर्क है ना वो थोड़ा ज्यादा हो रखा है ठीक है इसका जो रिसेंट प्राइस है वो है एटीन हंड्रेड रुपीज एंड बाकी आपको कूपन कोड वगैरह लगा के आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा ये है फ्रॉम दी ब्रांड इंडिया से साइज मैंने इसको लिया है मीडियम साइज में नेक्स्ट है हमारी ये वाली साड़ी जिसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है एंड इसमें ना प्रिंट वैसा नहीं हो रखा है फ्लोरल प्रिंट नहीं हो रखा है इसमें अलग सा प्रिंट हो रखा है ठीक है नीचे ये रफल वाला वर्क हो रखा है इसमें भी दो लेयर्स दी हुई है रफल वाला वर्क जो है काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ है ये है इसका पल्लू जिसमें पूरे में ऐसे रफल वर्क किया हुआ है लेकिन ना इसमें ना यहाँ पे आके ना ये आपके शोल्डर पे आएगा ठीक है तो आपको यहीं पे पिन करना है मतलब आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको बस स्कर्ट पहननी है पल्लू घुमाया और बस यहाँ पे इस चीज को ये यह चीज यहाँ आएगी बाकी का ये लूज रहेगा ठीक है पीछे की साइड से ना लूज रहेगा मतलब ट्रायोन में आप देख सकते हो ये वाली साड़ी ना मुझे आज ही आई है तो अः बाकी आप लोग ना अगर आपको दुर्गा पूजा वगैरह के लिए मंगवानी हो ना तो आप वो भी चेक कर सकते हो डिलीवरी uh, डेट चेक कर सकते हो कि आपके पास पार्सल कितने दिनों में आ जाएगा क्योंकि मिंत्रा में ना डेट बता देते कि इतने दिन में आना है तो आना ही है आप अपना पिन कोड डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितने दिन में आपके पास ऑर्डर आ जाएगा अगर आपको जितने दिन में दिन में में जरूरत है तो है तो है 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 उतने आ जाता तो तो ठीक ठीक मत ऑर्डर करना इस वाली साड़ी का प्राइस थोड़ा सा एंड इसको मैंने लिया मीडियम साइज में फिट मुझे एकदम परफेक्ट आया है परफेक्ट सा गोल्डन ब्लाउज ले सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप क्रॉप टॉप भी ट्राई कर सकते हो वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे नेक्स्ट है हमारा ऑल अबाउट यू से ठीक है ये कुर्ता है विथ शरारा ठीक है बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड कुर्ता है इसका वन शोल्डर कुर्ता येलो कलर का है बहुत, है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड बीड्स वाला वर्क भी हो रखा है इसमें बीड्स लगे हुए हैं एंड पूरे में तो गोल्डन लेस लगी हुई है वन शोल्डर है एक तरफ ये स्ट्रेप्स लगी हुई है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो ये थोड़ा सा ना ऐसे टेढ़ी आएगी तो आपको ना इसको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा काफी ज्यादा सही लग रहा था एंड ये इसकी स्लीव्स दी हुई है एक तरफ हाफ स्लीव एंड ये पूरी ए लाइन कुर्ती है इस पे प्रिंट बहुत ज्यादा सुंदर हो रखा है ये नीचे से भी ना इक्वल नहीं है थोड़ा एसिमेट्रिकल वाला डिजाइन है इसमें ठीक है और काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है इसका प्रिंट देखो प्रिंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका जो फैब्रिक है वो पोलियस्टर वाला फैब्रिक है अंदर भी इसमें लाइनिंग लगी हुई है ये बहुत ज्यादा सुंदर है लेकिन ना आपको ये वाला डिजाइन दिख रहा है जो लाइन लाइन दी हुई है ये जो लाइन लाइन है ना सिल्वर कलर की ये मुझे इतनी ज्यादा चुभ रही थी मतलब इन्होंने ये लाइनिंग लगाई हुई ना इसके अंदर भी मतलब मुझे इतनी खुजली हो रही थी ना इसके अंदर मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है नो डाउट एंड सबसे पहले ना मैंने इसकी ये शरारा पैंट पहनी थी तो शरारा पेंट भी ना मतलब इसमें भी ना मुझे यही प्रॉब्लम हो रही थी और मैं सोच रही थी यार इसमें इतनी चुभन क्यों हो रही है मुझे मुझे इतना क्यों चुभ रहा है इसमें बहुत सारी स्टेपलर वाली पेन्स लगा दी है और वो थोड़ी थोड़ी उठ रही है मतलब इस तरह से लग रहा है मतलब इतना चुभ रहा है तो ये मुझे ना मतलब पूरा सब कुछ अच्छा लगा इसमें मेरे मेरे को को लेकिन सिर्फ यही चीज अच्छी नहीं लगी पहले चाहे कितना भी सुंदर हो आउटफिट तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगी इसलिए मेरी तरफ से तो मैं इसको बोलूंगी ना ही लो तो बेटर है ठीक है एंड इसका जो प्राइस है फिर भी बता देती हूँ इलेवन हंड्रेड फोर्टी नाइन रुपीज है और उस टाइम फ्लोरल प्रिंटेड टॉप एंड प्लाजो टॉप विद प्लाजो ये वाइन रेड से है एंड ये पूरा ना, ना, ना ये मैंने ऑलरेडी सॉरी अच्छा मैं ढूंढ रही थी ये ऑलरेडी मैंने पहना हुआ है ये मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना इतना प्यारा लग रहा है मतलब मैंने ना ऐसा ही कॉर्ड सेट पूरा ऐसा ब्लू कलर में लिया था बहुत पहले एंड उसके बाद ही ना मैंने ये वाला भी देखा था क्योंकि मुझे सजेशन में आ गया था ये वाला और मुझे इतना अच्छा लगा था ये मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने ब्लू वाला रख लिया मुझे ये ले, लेना चाहिए था मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एंड ये पूरी गरबा वाली जो फील होती है ना वो दे रहा है अगर आप इसको फुल ज्वेलरी वगैरह के साथ पूरा ऐसे तैयार हो गए ना इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एंड बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट है पूरा ऐसे हॉल्टर नेक दिया हुआ है एंड लेस लगी हुई है इसमें की होल वाला नेक आ, इसमें दिया हुआ है कलर इसका प्रिंट सब कुछ इतना बेस्ट है इतना बेस्ट है कि कि मैं क्या ही बताऊं मैंने पैंट नहीं पहनी मैंने ट्राउजर पहना हुआ है अभी तो मैं इसकी पैंट में आपको पास से क्वालिटी दिखा देती हूँ इसका फैब्रिक जो है ना वो रियॉन का है एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा एंड ये है इस पे पूरे में ऐसे फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं ऑरेंज ग्रीन वाइट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा कलरफुल है एंड वाइट का जो ये लेस वाला पैटर्न और ये जो हॉल्टन है इन्होंने दिया है ना ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा सही लग रहा है एंड ट्राई ऑन में ना आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है मैंने सिर्फ सिंपल uh, सा लाइनर लगाया हुआ है एंड कुछ भी नहीं किया है फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ऐड करी कुछ भी ऐड नहीं किया सिर्फ शायद मैंने एक बैग लिया हुआ है तो हाथ में हाँ हैंड बैग मैंने guess, लिया हुआ है व्हाइट कलर का कि कुछ भी नहीं गया है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको अगर आप स्टाइलिंग करके पहनोगे तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगेगा एंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है पीछे से ना पूरा इन्होंने व्हाइट लेस ऐसे लगाई हुई है जिसमें फेक मिरर्स लगे हुए हैं काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है अगर आपको कुछ भी इसमें से चाहिए ना तो ये वाला तो मैं बोलूंगी कि आंख बंद करके ले लो अगर आप कंफर्टेबल हो इस टाइप की चीजें पहनने में मैंने साइज लिया था वो मैंने लिया था स्मॉल साइज फिट मुझे एकदम परफेक्ट है पीछे से ना अच्छा हाँ पीछे से ना इन्होंने वो बैक में बैक साइड में इन्होंने नॉट बांधने के लिए भी दिया हुआ इसका जो रिसेंट प्राइस है वो है ट्वेल्व हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज जो कि मुझे काफी ज्यादा सही लगा यस yes, आज की वीडियो में सिर्फ सिर्फ इतना ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको इस टाइप की वीडियो और आगे देखनी है तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय बाय